ये वायरिंग डायग्राम बोलेरो BS4 का है, जिसमें डॉल्फिन मॉडल ECM लगा होता है उसका है। इंजेक्टर का वायरिंग, कैम का वायरिंग, क्रैंक सेंसर का वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पॉजिटिव कौन सा पिन में आता है, निगेटिव कौन सा पिन में आता है। जिस गाड़ी में ये जो लगा रहा था ECM 2.5, उस वायरिंग उस गाड़ी में सेम वायरिंग रहता है, और स्कॉर्पियो में भी आता है, बोलेरो में भी आता है। तो इसके जानकारी आपको मैं देता हूँ, कौन सा पिन में वोल्टेज आता है, 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से, कौन से इग्निशन आता है, किस में ग्राउंड आता है, सब डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। मगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। ये देखिए, ये है बैटरी, डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आया। देखिए यहाँ से पहले, अब इसमें क्या है, सबसे पहले इग्निशन स्विच देने पर करंट किस में आता है वो जानते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये 15 नंबर है इग्निशन का वायर है, जब चाबी ऑन करते हैं इग्निशन देते हैं तो डायरेक्ट आता है। तो सबसे पहले 49 ECM के पिन नंबर 49 में सप्लाई आएगा स्विच देने पे। जब स्विच देंगे तो ECM ग्राउंड निकालेगा रिले को ग्राउंड निकालेगा, तो जाके रिले ऑन होएगा, फिर रिले से सप्लाई फिर ECM में आता है। तो ECM ग्राउंड क्या किस पिन से आउट करता है, देखिए 41 से डायरेक्ट जाएगा रिले में, जो ECM का रिले होता है उसमें जाएगा ग्राउंड, और रिले में पॉजिटिव 2 ऑलरेडी पहले से रहता है। जैसे रिले ऑन होगा डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, किस में आएगा, 12 31, 12 नंबर पिन में और 31 नंबर में पॉजिटिव आएगा। इग्निशन आएगा 49 में और ग्राउंड सॉरी इग्निशन आएगा 49 में और 12 नंबर और 31 नंबर में पॉजिटिव आएगा रिले ऑन होने के बाद। और ECM में ग्राउंड कहाँ आएगा, ग्राउंड किस पिन में आता है, ये देखिए 9 और 28 नंबर, ये ग्राउंड है ECM का, 9 और 28 नंबर डायरेक्ट बैटरी से ग्राउंड आता है या बॉडी अर्थ से आता है। ये हो गया ग्राउंड, पॉजिटिव आएगा 49, इग्निशन आएगा 49 में, पॉजिटिव आएगा 12 और 31 में आएगा, कभी कभी 12 में आता है, 31 में नहीं आता है, ऐसा थोड़ा बहुत 19 20 हो सकता है। तो ये है जानकारी, पहले तो ग्राउंड कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव किस में आ रहा है, इग्निशन किस में आ रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 49 नंबर इग्निशन रहता है, 12 और 31 पॉजिटिव रहेगा रिले जब ऑन होगा तो, और रिले ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ सप्लाई नहीं आएगा, 9 और 28 ग्राउंड ECM को, ये इतना कंप्लीट। अब इसमें मेन 2 वायर हो जाता है, कभी भी टेबल पे स्कैनिंग करना है तो आप इसको कनेक्शन दे सकते हैं और स्कैनिंग कर सकते हैं। अब इसमें 2 आता है, एक कैन और एक कैन लो, कैन हाई और कैन लो 2 वायर आता है। तो यहाँ पे देखिए, कैन हाई जो है 19 नंबर पिन और कैन लो 18 नंबर पिन, ECM के 18 और 19 से कैन का वायरिंग निकलता है, जो OBD कनेक्टर में भी जाता है, बाकी जगह मॉडल में जाता है, मीटर में भी जाएगा ये वायर, इसको ध्यान दीजिए। कैन लो है जो 18 नंबर, कैन हाई है 19 नंबर पे, ये हो गया। ये देखिए कैन कम्युनिकेशन लिखा है, और देखिए कनेक्टर जो आता है उसमें 6 नंबर और 24 नंबर, वो भी जहाँ स्कैनर लगता है आपका, 24 जहाँ आप स्कैनर लगाते हैं, स्कैनिंग कनेक्टर, उसमें 6 नंबर और 14 नंबर,
ये आपका, और ये वायर इमोबिलाइजर में भी जाता है। तो देखिए 5 और 1 नंबर जाता है इसका सप्लाई, कैन का सप्लाई बहुत जगह जाता है। आपको देखिए ओबीडी कनेक्टर में एक डायरेक्ट आता है, वो भी दिखा रहा है कहाँ से आ रहा है। जब रिले ऑन होगा तो यहाँ भी सप्लाई आएगा। देखिए जब रिले यहाँ से डायरेक्ट रिले में आ रहा है, बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई आता है, इसमें रिले से नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। इतना हो गया। अब इंजेक्टर के वायरिंग के बारे में जानते हैं। इंजेक्टर में सप्लाई कहाँ कहाँ से आता है? 4 इंजेक्टर लगता है, 4 में से जो एक वायर आता है कॉमन रहता है, सभी इंजेक्टर में एक ही सप्लाई आएगा, वो पिन नंबर 7 से आता है। पिन नंबर 7 से आप देंगे तो सभी में से इंजेक्टर का कनेक्टिविटी चेक करेंगे तो सभी में आएगा। फिर इंजेक्टर एक 63 63 जाएगा, फिर इंजेक्टर टू में 6 नंबर से जाएगा, फिर 44 नंबर में जाएगा, फिर 25। ये है इंजेक्टर का वायरिंग, ध्यान से देख लीजिए। 7 नंबर का वायर है जो जाता है चारों में जाता है, और बाकी सिंगल सिंगल वायर है वो यहाँ से जाएगा, इस पिन से आएगा ECM के। यह है इंजेक्टर के वायरिंग की, जिसमें ECM 2.5 लगा रहता है। अब इतना तो हो गया जानकारी। अब आपको कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर का वायरिंग कहाँ से जाता है उसकी जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए कैम सेंसर, कैम सेंसर जो है, कैम सेंसर को वायरिंग 3 बार आता है कैम सेंसर में। ECM के पिन नंबर 20 32 76 ये वायरिंग है। इसमें वोल्टेज आएगा एक में, एक में ग्राउंड आएगा, एक में सिग्नल आएगा। ये वायर है कैम सेंसर का, और दूसरा है क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर का वायर देखिए 15 14 और 20, इसमें पॉजिटिव नहीं आता है, इसमें एक ग्राउंड आएगा, 2 सिग्नल का वायर आता है। ये देखिए एक ग्राउंड है, ये 2 सिग्नल का वायर आएगा। ये है क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर के भी हो गया और एक क्रैंक सेंसर। इसका वायरिंग डिटेल आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। यह है कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर का हो गया। अब तीसरा जो सेंसर है रेल प्रेशर सेंसर। रेल प्रेशर सेंसर में भी 3 वायर आता है, कौन सा क्या है, किस में आता है, वोल्टेज किस में क्या है, वो भी जानेंगे। देखिए यह है रेल प्रेशर सेंसर, इसमें 3 वायर है, एक ग्राउंड है, एक सिग्नल है, एक वोल्टेज है। इसमें 3 वायर है, तीनों का हो गया। ECM का पिन नंबर 78 40 और 16, ये हो गया रेल प्रेशर सेंसर। ये तीनों सेंसर जो इम्पोर्टेंट सेंसर है, ये वायरिंग का प्रॉब्लम यहाँ में आता है, कट जाता है, पता नहीं चलता है कौन सा पिन में क्या लगाना है। तो ये डायग्राम आपके पास रहेगा तो आसानी से आप चेक भी कर सकते हो, लगा भी सकते हैं। ये देखिए ये हो गया इमोबिलाइजर का भी, आपको वायरिंग इमोबिलाइजर का भी देख लीजिए। ये जो कनेक्टर आता है उसका वायरिंग है, 6 और 14 में कैन का आएगा, 16 नंबर पॉजिटिव रहेगा, 4 और 5 ग्राउंड रहेगा। ये कनेक्टर का वायरिंग होता है। ये है आपको वायरिंग डायग्राम का डिटेल। बोलेरो और स्कॉर्पियो में भी ये ECM आता है, 2.5 ECM रहना चाहिए इसका नंबर, तो सेम वायरिंग रहेगा आपका।
ये है वायरिंग डिटेल इसका। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। इसमें दो मेन है, एक ग्राउंड है, दो ग्राउंड है और एक इग्निशन है। और ईसीएम अभी देखिए, और हाँ ये भी है फ्यूल मीटरिक यूनिट, इसका भी वायरिंग आपको इम्पोर्टेंट जानना चाहिए। इसमें जब रिले ऑन होता है तो सप्लाई आता है एक पॉजिटिव, और ग्राउंड है जो 11 नंबर से आउट होता है, जहाँ डीजल का रहता है सप्लाई होता है वहाँ पर मीटरिक यूनिट लगा रहता है, 2 सॉकेट का वायर रहता है। इसका ग्राउंड 11 नंबर से जाता है। तो ये है बोलेरो का वायरिंग, VS4 जो जूनियर गाड़ी है उसका। VS6 का भी मैं वायरिंग बना के वायग्राम डायग्राम डाला हूँ, चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। जब सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा, वीडियो में अच्छा और बनाऊंगा और वायरिंग का डायग्राम आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा और रह गया वायरिंग, उसका भी आपको डिटेल दे देता हूँ। फ्यूल पंप के रिले में किस पिन से वायरिंग जाता है, कनेक्शन जाता है, उसके भी जानकारी दे दूँ। एक्सीलेटर पंडल का वायरिंग किस किस पिन से जाता है, उसके भी जानकारी आपको दे देता हूँ। VS सेंसर का वायरिंग किस पिन से जाता है, वो सब की जानकारी आपको दे देता हूँ। तो सबसे चलते पहले आपको बताता हूँ फ्यूल पंप। फ्यूल पंप में सप्लाई कहाँ से जाता है, फ्यूल पंप कैसे ऑन होता है, तो आपको ये दिखा दूं। जब मेन रिले ऑन होगा तो फ्यूल पंप के रिले में दो पॉजिटिव आएगा, ये 30 नंबर और 85 नंबर में। उसके बाद एक और, अब उसमें रिले ऑन करने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो ECM के 29 पिन से ग्राउंड जाएगा। जैसे ही ग्राउंड जाएगा तो जाके फ्यूल पंप मोटर ऑन होएगा, जो टाकी में लगा रहता है वो, ये देखिए 87 PA मोटर है, जाके ऑन होता है। तो ये फ्यूल पंप का है, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट वायरिंग है। इसको जानना ज़रूरी है कि फ्यूल पंप के में ग्राउंड कहाँ से आता है, तो 29 पिन से आता है। जब गाड़ी लॉक हो जाती है, इमोबिलाइजर लॉक हो जाता है, तो ये ग्राउंड आउटपुट नहीं करता है, तो जाके ECM उसके स्कैनर से अनलॉक करते हैं, तब जाके ये पिन से ग्राउंड आउट होता है और फ्यूल पंप ऑन होता है। तो ये हो गया इसकी जानकारी। और EGR वाल्व, जिससे वैक्यूम पंप चलता है, बूस्टर, वो जी अपना EGR चलता है, टर्बो में लगा रहता है उसका, देखिए उसका पंप में दो वायर आता है, यहाँ से देखिए उसमें ये डायरेक्ट सप्लाई आएगा। इग्निशन जैसे ही ऑन होएगा, रिले ऑन होएगा, रिले ऑन होने के बाद पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और ECM 45 पिन से इसको ग्राउंड देता है। तो जैसा ग्राउंड देगा वैसे एक्चुएटर ये काम करता है। ये हो गया, ये ब्रेक स्विच का वायर आता है, जो ब्रेक स्विच में 4 वायर आता है, उसमें से 2 वायर ECM से जाता है, देख लीजिए 13 और 29 नंबर। ये थर्मो सेंसर से जाता है, AC कंप्रेसर, स्टार्टर रिले, स्टार्टर रिले में भी जाता है। जब ये गाड़ी लॉक हुई तो स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्टर रिले देखिए कहाँ से जाता है, 64 से स्टार्टर रिले में एक जाता है वायर। ये हो गया क्लच सेंसर का, क्लच सेंसर में भी क्लच स्विच रहता है, उसमें भी 4 वायर आता है, देखिए कहाँ कहाँ से जाता है, देख लीजिए।
20 20 17 32 इतना नंबर से जाता है। ये तो हो गया। अब आपको एक्सीलेटर पेंडल वायर में वायरिंग कहाँ से कहाँ से जाता है वो दिखाता हूँ। उसमें 6 वायर आता है, सबको पता है। तो देखिए 37 76 20 38 78 और 16, इस पिन से एक्सीलेटर पेंडल में वायरिंग जाता है। दो पॉजिटिव रहेगा, दो ग्राउंड रहेगा और दो सिग्नल रहेगा। ये देखिए किस में है, ये आपको समझ लीजिए, पिन नंबर याद कर लीजिएगा। ये हो गया कूलन टेम्परेचर सेंसर आता है, उसका वायरिंग देखिए 5972 से जाता है। ये हो गया व्हीकल स्पीड सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर जो है उसका वायरिंग कहाँ से जाएगा आपको देखिए, ये देखिए 77 33 58 यहाँ से जाता है। फ्यूल वाटर जो सेंसर आता है, जो फिल्टर में लगा रहता है, उसका 74 58 से जाता है। बूस्ट प्रेशर सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर जो मैनिफोल्ड पर लगा रहता है, उसका वायरिंग देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वायरिंग है, 75 69 59 और 73 यहाँ से ईसीएम से जाता है। ये 9 और 28 तो ग्राउंड हो गया ईसीएम का, 12 हो गया पॉजिटिव हो गया, 31 पॉजिटिव हो गया, 31 नंबर 41 जो हो गया आपको मेन रिले ऑन करने के लिए हो गया। ये सब जानकारी वायरिंग का है। टोटल में बोलोरो VS4 का है ये वायरिंग है, जिसमें ECM 2.5 ECM लगा उसका वायरिंग है। ये पूरा जानकारी आपको मैंने दे दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।